पूरे कमरे में फैला के रखी है चीजें। कृष्णा कृष्णा, क्या करूं मैं इस बच्चे का। कृष्णा जी दादी, ये स्केचबुक किसकी है? मेरी है दादी। और ये स्केचेस किसने बनाए हैं? दादी बड़े कभी कभी बच्चों जैसे बातें क्यों करते हैं? बुक मेरी है तो स्केच भी मैंने ही बनाए होंगे ना। बड़े बच्चों जैसे बातें तब करते हैं जब बच्चे बड़ों जैसे काम करते हैं। एक बात बताओ बेटा, तुमने इतने खूबसूरत स्केचेस बनाए कैसे? इससे, जैसे अब ये बनाया आपका स्केच, देखिए। अरे वाह, देखो तो। रोहित को भी स्केचेस बनाने का बहुत शौक था। पापा भी स्केच बनाते थे? जब रोहित छोटा था ना, बिल्कुल तेरी तरह, जब पढ़ते पढ़ते थक जाता था तब वो स्केच बुक लेकर के बैठ जाता था। मैं भी अपने पापा जैसे बनना चाहता हूँ। तू तो है ही अपने पापा जैसा बेटा। मिसेस मेहरा, मैंने आपको फोन करके यहाँ इसलिए बुलाया है कि हम कृष्णा का आईक्यू टेस्ट लेना चाहते हैं। आईक्यू टेस्ट? लेकिन क्यों फादर, कृष्णा तो बिल्कुल नॉर्मल है। नहीं मिसेस मेहरा, वो नॉर्मल नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप फादर? क्या आप कहना चाहते हैं कि बचपन में जैसे रोहित था कृष्णा भी वैसे ही है? नहीं फादर, कृष्णा बहुत होशियार बच्चा है, हमेशा अच्छे मार्क्स लाता है, हमेशा A+ ग्रेड मिलते हैं उसे, और वो अपना होमवर्क भी बिना किसी की मदद के कर लेता है। और दूसरे बच्चों का भी जी। ये 3rd स्टैंडर्ड के एक बच्चे की नोटबुक है। लेकिन फादर, ये तो कृष्णा की हैंडराइटिंग है। हाँ, कृष्णा ने ही इस बच्चे का मैथ्स होमवर्क किया है। यह कैसे हो सकता है फादर, कृष्णा तो अभी 1st स्टैंडर्ड में है। इसीलिए हम कृष्णा का आईक्यू टेस्ट लेना चाहते हैं ताकि हम ठीक ठीक जान सके कि वो अपने उम्र के बच्चों से कितना ज्यादा होशियार, कितना ज्यादा तेज और कितना आगे है। कृष्ण बेटे, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट सर। किस उम्र के बाद हमारे ब्रेन की ग्रोथ रुक जाती है? 15 साल की उम्र के बाद फादर। मिसेस मेहरा, आपको अचानक हो क्या गया? आईक्यू टेस्ट इतना अच्छा चल रहा था, कृष्णा सारे सवालों का सही जवाब दे रहा था, इसलिए तो उसे वहां से लेकर चली आई। क्यों, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपका ग्रैंडसन इतना ब्रिलियंट है, जीनियस है। ही इज अ मिरेकल चाइल्ड। पहले तो मुझे थोड़ा बहुत डाउट था, मगर अब यकीन हो गया है। जादू ने जो पावर्स, जो शक्तियां रोहित को दी थी, वो सारी पावर्स, सारी शक्तियां कृष्णा को रोहित से विरासत में मिली है। आप देखिएगा मिसेस मेहरा, कृष्णा भी अपने पापा की तरह कामयाबी की एक नई मिसाल कायम करेगा, गिनीज बुक में उसका नाम होगा। कृष्णा को भी रोहित की तरह एक दिन पूरी दुनिया जानेगी। यही तो मैं नहीं चाहती फादर। आखिर क्या मिला रोहित को? मेडल्स देकर, तालियां बजाकर सब लोगों ने उसका और उसके टैलेंट का इस्तेमाल किया है, उसका फायदा उठाया है फादर। और फिर खो दिया मैंने अपना बेटा, अपनी बहू।
अब मैं कृष्णा को भी खोना नहीं चाहती फादर, नहीं खोना चाहती। मैं आपकी परेशानी, आपका डर समझ सकता हूं मिसेज मेहरा, मगर डरने से डेस्टिनी तो नहीं बदलती ना। और फिर टैलेंट तो हवा, खुशबू और धूप की तरह है, जिसे कहीं छिपा कर नहीं रखा जा सकता। मैं छुपाऊंगी फादर, कृष्णा को दुनिया की नजरों से दूर ले जाऊंगी मैं, बहुत दूर। कृष्णा बेटा, कृष्णा, कृष्णा आया दादी। चल तूफान, देखते हैं घर कौन पहले पहुंचता है। चल देखा तूने? मैंने रोज की तरह कुछ नहीं देखा और मैं रोज की तरह किसी से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन रोज की तरह कुछ लूंगा। ये ले। मैं तेरी इतनी बड़ी बड़ी बातें छुपाता हूँ और तू मुझे इतना छोटा छोटा गुड़ देता है? आज गुड़ से काम नहीं चलेगा, रोज की तरह। अच्छा अच्छा ठीक है, घर आ जा, तुझे बॉर्नविटा पिलाता हूँ। बॉर्नविटा? और नहीं तो क्या,
मेरे जैसा बनना है कि नहीं? हाँ बनना है ना। तो फिर जा चड्डी पहन के जल्दी जा, भाग। कृष्णा तू आ गया बेटा। दादी आपको कैसे पता चल जाता कि मैं आ गया हूँ? मैं तो कोई आवाज करता भी नहीं हूँ। मुझे तेरे दिल की धड़कने जो सुनाई देती है बेटा। लेकिन कैसे दादी? और तेरी आंखें बता रही हैं कि तू आज फिर कोई गड़बड़ करके आया है। गड़बड़? नहीं तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया दादी, कुछ भी तो नहीं किया। कोई गड़बड़ नहीं की तो फिर चोरों की तरह मुंह क्यों छुपा रहा है? अरे छुपा कर रहा हूँ दादी, धो रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, चल नाश्ता लगा, मैं भी आई। गिराया ग्लास दादी? ये चिंटू है ना, ये चिंटू ने ग्लास गिरा दिया। क्या? मैंने गिराया? क्यों रे चिंटू, आते ही शरारत शुरू करते तूने। सच बोल दे कृष्णा, नहीं तो मैं बोल दूंगा। हाँ बोल बोल, क्या बोलेगा? तू बोलता है तो बोल देता हूँ। दादी आज ये कृष्णा है ना, ये तूफान से भी तेज भाग रहा था। क्या तूफान से भी तेज? अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है। अच्छा और वो? वो क्या? वो जो तू बंदरों से भी तेज उस पहाड़ पर चढ़ गया था वो। और दादी आपको पता है वो जो दीदी मंदिर के पास वाला सबसे ऊंचा पहाड़ है ना, वहाँ से एक दिन ये कृष्णा सीधे नीचे नदी में कूद गया। मैंने तो सोचा गया लेकिन आया। कृष्णा क्यों करता है रे तू ऐसा? तुझे बार बार मना करने के बावजूद भी क्यों करता है तू ऐसी हरकतें? तो मैं और क्या करूं दादी, आप ही बताइए कैसे दूर करूं अपने अकेलेपन को, किसे अपना दोस्त बनाऊं? मेरी उम्र के तो सभी लड़के शहर चले गए कमाने या पढ़ने, और जो यहां रह गए वो मुझसे दोस्ती करते ही नहीं, कहते कि मैं उन जैसा नहीं। इसलिए तो मैंने जानवरों और पंछियों को अपना दोस्त बना लिया, पेड़ों पहाड़ों और नदियों से अपना मन बहलाता रहता हूं। लेकिन कभी कभी इस खुले पन में भी मेरा दम घुटता है, मन करता कि मैं यहां से भाग जाऊं कहीं। बहुत। अरे तू मुझको छोड़कर चला जाएगा? आपकी वजह से तो नहीं जाता दादी, वरना कब का चला गया होता। कृष्णा अब बड़ा हो गया है रोहित, पता नहीं अब मैं कब तक उसे अपनी ममता की आंचल में छुपा कर रख पाऊंगी। सोनिया मेहरा और उसका पोता कृष्णा कहाँ है फादर? इतने सालों में ये तीसरी बार है जब मैं आपसे ये पूछने आया हूं, और हमेशा की तरह मेरा जवाब वही है, मैं नहीं जानता कि मिसेस मेहरा कहां है। आई रियली डोंट नो। क्यों बार बार मेरे पास आकर आप मेरा टाइम वेस्ट करते हैं? क्योंकि आप ही रोहित मेहरा की फैमिली से जुड़ी आखिरी कड़ी है, और सोनिया मेहरा अपने पोते कृष्णा के साथ गायब होने से पहले आपसे ही मिली थी। आपको पता है वो दोनों कहां हैं, लेकिन आप उसे झूठ बोलते हैं। व्हाट? हाँ आप झूठ बोलते हैं फादर। जब मैंने आपसे पूछा था कि रोहित के बेटे में रोहित की शक्तियां हैं या नहीं, तब आपने ना कहा था, लेकिन बाकी टीचर्स ने बताया कि बेटा तो बाप से भी बढ़कर है, उसमें रोहित की सारी शक्तियां हैं। बता दीजिए फादर कीमत जो आप बोले। हाउ डे यू मिस्टर सिन्हा, ये स्कूल है, यहां खरीदने बेचने का काम नहीं होता। अब आप जाइए यहां से, प्लीज लीव नाउ। आप गलती कर रहे हैं फादर, बहुत बड़ी गलती। कृष्णा,
इतनी बड़ी पतंग, लेकिन इसकी डोर कहाँ है? अरे कट के आ रही है, चल पकड़ते। गिरा दूंगा, आंखें बंद करो। आंखें बंद करने के लिए है, बड़ी करने के लिए नहीं। बंद करो, बंद। इसी तरफ आया था। What ha, collector? What ha? किधर? किधर? कहाँ? कुमल साहब, ऊपर। Oh my God! प्रिया कहाँ है? उधर। प्रिया? प्रिया की सांसें चल रही हैं। ये सिर्फ बेहोश हुई। चलो, इसे कैंप ले चलते हैं। उठाओ, संभाल कर। कलाइडर इतना ऊपर, प्रिया मेम साहब इतना नीचे, सांसें फिर भी चल रही हैं। जस्ट इमेजिन। जस्ट इमेजिन। इमेजिन। जिंदा हो और हमारे साथ हो। थैंक गॉड तेरी जान बच गई यार। थैंक गॉड को नहीं, उस लड़के को करना चाहिए। उस लड़के को? किस लड़के को? अरे वही लड़का जिसने मेरी जान बचाई। तुम्हें किसी लड़के ने बचाया? जी सर। मगर वहाँ तो कोई नहीं था। नहीं सर, वो वही होगा। हम दोनों पेड़ से साथ साथ नीचे गिरे थे। साथ साथ? हाँ। मगर तुम तो ग्लाइडर में अकेली गई थी, तो फिर वो पेड़ की ऊंचाई पर कहां से आ गया तुम्हारे साथ देने के लिए?
आसमान से टपका था क्या? हाँ सर, वहीं कहीं से आया था। प्रिया, ट्रस्ट मी, यू वर ऑल अलोन। क्या हुआ? भूत, भूत, कोमल साहब, भूत, भूत। भाग रे डंकिनी भाग, कह को लागो भागो छे भाग, तंत्र पहलू मंत्र पहलू जो पहलू झपाट पहलू, भाग भाग रे डंकिनी भाग। ये तुम क्या बक रहे बहादुर? बक नहीं रहा हूँ साहब, पढ़ रहा हूँ भूत भगाओ मंत्र। ये क्या खींच खींच कर रहे बहादुर? दिन के उजाले में भूत कहाँ जा सकता है? ये जंगल है साहब, यहाँ दिन क्या रात क्या, सुबह क्या शाम क्या, सब एक सा है। प्रिया मेरे साहब, वो लंबा था, हाँ, वो हट्टा कट्टा था, हाँ हाँ हाँ, वो गोरा था, हाँ, कालीचरण, 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 हाँ साहब, कालीचरण का भूत था वो। सालों से इन पहाड़ों में भटक रहा है, पेड़ से उल्टा लटक रहा है। Just imagine. What nonsense. आज के जमाने में भूत? I don't believe all this. I also don't believe all this. क्या हुआ? What happened? Relax, relax. सर, लगता है बहुत सीरियस मोच आ गई है, या फिर पैर टूट गया है सर। हो गई ना मुसीबत। हम 10 दिन के एडवेंचर कैंप पर आए हैं और तुमने पहले ही दिन अपना पैर तोड़वा लिया। हनी, इसे टेंट के अंदर लेकर जाओ एंड गिव हर फर्स्ट एड। यस सर। केयरफुल। बहादुर, तुम अपने फोन बूथ पर जाओ और किसी गाड़ी का इंतजाम करो। प्रिया को शहर भेजना होगा इलाज के लिए। रात में जाऊंगा साहब, अभी डर लगता है। हाँ, ये खाली जाने का भूत ना दिन में सताता है, रात को सोता है। Just imagine. Easy, easy, आराम से। तू आराम कर, I'll organize the painkillers. Come on, let's go, guys. Let her relax. कुछ चीखती रहती हूँ, गला दर्द नहीं करता क्या? तुम्हारी आंखें फिर बड़ी हो गई। डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या हुआ प्रिया, क्यों चिल्ला रही है तू? हनी, हनी वो यहाँ आया था, वो इसी कमरे में आया था। हनी, हनी वो आया था। कौन, कौन आया था? सर, सर वो लड़का जिसने मुझे पेट पे बचाया था सर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था सर। ओह गॉड, इस लड़की को क्या हो गया है? प्रिया, प्रिया मुझे यहाँ से गए हुए सिर्फ 2 सेकंड हुए। Are you trying to tell me कि 2 सेकंड में यहाँ पर कोई आया और आकर चला भी गया? हाँ। तेरी आँख लग गई होगी, तूने कोई सपना देखा होगा। मैंने कोई सपना नहीं देखा हनी, कोई मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करता? जैसे ही मैंने अपनी आँखें बंद की, वो अंदर आया, उसने मेरा पाँव पकड़ा और उसे जोर से ट्विस्ट किया और दर्द, हनी मेरे पैर का दर्द ठीक हो गया। हनी देखो, मेरे पैर का दर्द ठीक हो गया। ओह माय गॉड, कोमल सर, मेरा पैर तो ठीक हो गया, ये तो कमाल हो गया। देखिए, आई कैन जंप। ओह माय गॉड, देखो आई कैन जंप। या तो ये लड़की पागल हो गई है या फिर हमें बना रही है। नहीं सर, मैं नहीं बना रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। देखिए, अब तो मैं कूद भी सकती हूँ। सी, मेरी बात मानिए। मैं मानता हूँ मेम साहब, आपका चरण काली चरण ने चंगा किया है। जस्ट इमेजिन। काली चरण, तुम्हारा ये भूत डॉक्टर भी अब है? नहीं, था कालीचरण का बाप लालचरण, डॉक्टर लालचरण। ना कोई कालीचरण है ना कोई लालचरण, सब झूठ बोलते हैं, कोई भूत भूत नहीं है। ये कोई स्टुपिड सा लोकल लड़का है जो मेरे साथ शरारत कर रहा है। आज तो मैं इसको ढूंढ कर ही रहूंगी और सबके सामने ले जाऊंगी और प्रूव कर दूंगी कि लड़का है, कोई भूत नहीं है। तुम किसी को ढूंढ रही हो? हाँ, तुम, तुम्हें ही तो ढूंढ रही हूँ मैं। तुम कहाँ गायब हो जाते हो? जिस तरह मेरे सामने आते हो, सबके सामने क्यों नहीं आते? हाँ, तुम्हें मालूम है वो जो स्टुपिड बहादुर है ना, वो सबको कहता है कि तुम कालीचरण हो। तुम कालीचरण नहीं हो ना? हाँ, तुम इंसान हो ना? ए, क्यों हंस रहे हो तुम लोग? तुम किससे बात कर रही हो? काकी। काकी? एक तो दीदी को काकी बोलता है और फिर पूछता है मैं किससे बात कर रही हूँ। मैं इस लड़के से बात कर रही हूँ। किस लड़के से? अरे दिखता नहीं है क्या, ये जो खंबे जैसा लड़का खड़ा है था? दीदी, वहाँ खंबा है, लड़का नहीं।
ठीक से देखो, वहाँ पे लड़का है। ये खंबा है। अरे लड़का है। अरे ये खंबा है। चलो एक मिनट सुनिए, एक्सक्यूज मी, आपको आपको वहाँ पे लड़का दिखाई दे रहा है, खंबा? वहाँ तो ना लड़का है ना खंबा। आप ठीक से तो देखिए वहाँ। क्या हुआ बेटे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओहो, लगता है तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। देखो मेरा घर यहीं पास में है, थोड़ी देर वहां चलकर आराम कर लो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। हाँ ये इस लड़के की तस्वीर पे हार मेरे बेटे की है, 20 साल पहले गुजर गया था। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो इसे अभी। पहले की बहुत दर्द भरी कहानी है। चंपा और कालीचरण, कालीचरण और चंपा दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, तो जिस्म एक जान थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, कालीचरण चंपा के बाल में चमेली लगा रहा था, लाल चरण ने देख लिया तो गुस्से से आग बबूला हो गया। एक दिन उसने धोखे से चंपा को दवा के नाम पर जहर दे दिया और बेचारी चंपा काली काली कहते हुए तड़प तड़प के मर गई। जस्ट इमेजिन, बेचारा कालीचरण चंपा की मौत का दुख नहीं सहन कर सका। वो उस पहाड़ की चोटी की तरफ देखो, उसी चोटी से कालीचरण चंपा चंपा पुकारता हुआ कूद पड़ा और इश्क में अपनी जान दे दी। उसी दिन से कालीचरण भूत बन करके अपनी चंपा को ढूंढ रहा है। तुम ये उंगली मेरी तरफ क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि आप चंपा है। मैं चंपा? मतलब चंपा जैसी है। प्रिया प्रिया मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें यहाँ पे अपनी रुकना चाहिए, प्लीज यार। कोई कहीं नहीं जाएगा। ये बहादुर का बच्चा जस्ट इमेजिन करके बकवास किए जा रहा है और तुम लोग इमेजिन किए जा रहे हो। बहादुर, आज के बाद तुम इन बच्चों को कोई कहानी नहीं सुनाओगे, अंडरस्टैंड? नाउ कम ऑन, गेट रेडी, हम लोग माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं। तुम सब एसेंडर लगाकर ऊपर चढ़ोगे और फिर एसेंडर लगाकर रैपलिंग करते हुए नीचे उतरोगे। कालीचरण, जस्ट इमेजिन, कांट इमेजिन। 104 डिग्री तापमान। सर मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, सर आप ही नहीं मान रहे थे। सॉरी सॉरी, अब हम यहां कतई नहीं रहेंगे। बहादुर तू फौरन जा, अपने फोन बूथ से फोन कर और गाड़ियों का इंतजाम कर, जा। अरे मार दीना मेरे पेट पर लात,
मेरी जेब भरने से पहले ही खाली हो गई। जस्ट इमेजिन, अरे तुझे उन लोगों के सामने उस तरह पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत क्या थी? करता क्या, वो इतनी जोर से चिल्लाई और वहां पर इतने लोग थे कि मैं डर गया। और तेरे डर ने उनको इतना डरा दिया है वो सब वापस जा रहे हैं, मां कसम। अब ढूंढना अपनी चंपा को सचमुच का काली चरण बनके। तो अब क्या करें बहादुर? क्या करें, तूने जैसा कहा वैसा मैंने किया, अब तू ही कुछ सोच। सोचा। क्या चंपा जी? मेरा नाम प्रिया है। वो तो इस जन्म में है लेकिन पिछले 6 जन्मों से तो आप कालीचरण की चंपा है। ये 7वां जन्म है, अगर आप उससे बिना मिले चली गईं, तो वो रूठ जाएगा। फिर आप जहाँ जहाँ जाएंगी वो वहाँ वहाँ आएगा। जस्ट इमेजिन। ऐसे कैसे आ जाएगा? और वैसे भी हम तो सिंगापुर चले जाएंगे। ओ पापा, वो सिंगापुर भी आ जाएगा। हा? उसको टिकट नहीं खरीदना पड़ता। देखो बहादुर, ये किसी भूत भूत से मिलने कहीं पे भी नहीं जा रही है। अगर इसे कुछ हो गया तो? वो बहुत शरीफ भूत है मेम साहब, उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, है ना? हा? हा? अब आगे आप लोगों की मर्जी। रुको बहादुर। हनी, I think he's right. तू उससे मिलने जाएगी? हाँ, तभी उसे मुक्ति मिलेगी। और आप इन्हें मना मत करना, अगर कालीचरण को पता चल गया तो just imagine। नहीं नहीं, मैं इसे मना तो नहीं कर रही थी, मैं तो खाली पूछ रही थी। I swear, मैं तो advice दे रही थी ना तुमको। नहीं सुनो, देखो तू इस भूत से जरूर मिलने जाना। ये देखो वो कितना शरीफ भूत है, he's a very शरीफ भूत। अच्छा मुझे बहुत नींद आ रही है, okay bye good night। हाँ हनी। हेलो कालीचरण जी, मैं आ गई आपको मुक्ति दिलाने के लिए, प्लीज सामने आ जाइए। आजकल भूतों को भी डर लगता है क्या? भूत नहीं हो? ओ अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। कोई तुमको भूत कहता है तो तुम्हें बुरा लगता है ना, और लगना भी चाहिए। तुमने तो प्यार में जान दी है, और वो लोग जो प्यार में जान देते हैं वो भूत थोड़ी होते हैं। वो तो आशिक होते हैं। तुम आशिक हो ना? मैं कृष्णा हूँ। देखो तुम रुक जाओ, मेरे पास मत आना। हाँ तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गई, अब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मैं जाऊं? मुझे मुक्ति नहीं, दोस्ती चाहिए। क्या दोस्ती? अरे बाबा डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह के इंसान हूँ। यकीन नहीं होता तो छूके देख लो, छूके देख लो। छूके? अरे सॉरी। देखो मेरे खून का रंग भी लाल है, अब तो यकीन हुआ कि मैं भूत नहीं हूं। लेकिन अगर तुम भूत नहीं हो तो वो तस्वीर? वो मेरे पापा की तस्वीर है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं एकदम उन जैसे दिखता हूं। अच्छा, लेकिन उस दिन मेरी जान बचाने के लिए उस पेड़ पर तुम अचानक कहां से आ गए थे, और कल उस पहाड़ पर ऐसे 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 कैसे चढ़ गए थे? हाँ
शायद इसलिए क्योंकि आदत ही हो गई है। बचपन से नहीं पेड़ों पहाड़ों यहाँ के जानवरों और पंछियों के साथ खेल कर ही तो बड़ा हुआ हूं मैं। अपना ज्यादा वक्त मैं इन्हीं के बीच बिताता हूं, इसलिए सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तुम मिलना चाहोगी मेरे दोस्तों से? मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा। दोबारा पेन नहीं माने दूंगा, दर्द होता है क्योंकि मैं कालीचरण नहीं हूं ना। देखा, ये कालीचरण नहीं है, मैं तो शुरू से यही कह रहा था। आप तो अभी भी यही कह रहे हैं। सही तो कह रहा हूं। कालीचरण, you're so cute. कृष्णा, you really got us scared. बहुत डरा दिया था तुमने, लेकिन मजाक अच्छा था। Boys and girls, campaign continues. और कृष्णा, तुम भी हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। मुझे भी। इतनी खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी। It's so beautiful, so pure, so serene, so quiet. You should see this place in autumn. It is a riot of colors. When the sun's rays touch the fallen leaves, everything turns to gold. So beautiful. Makes you realize what a great artist God really is. Krishna, तुम इंग्लिश भी बोल लेते हो और वो भी इतनी अच्छी। दादी ने सिखाया, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी सब वही है।
लेकिन किसी से भी कुछ भी सीखने के लिए टैलेंट की जरूरत होती है कृष्णा, और तुम में कमाल का टैलेंट है। यू आर अमेजिंग। तुम्हें इस छोटे से गांव में अपने टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहिए, यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। यहाँ से बाहर की दुनिया में तुम जैसे टैलेंटेड लोगों की ना सिर्फ जरूरत है बल्कि कदर भी। पर मेरी दुनिया तो मेरी दादी है, मैंने छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। बहुत प्यार करते हो ना अपनी दादी से? बहुत से भी ज्यादा। कृष्णा, मैं तुम्हारी दादी से मिलना चाहती हूँ। लगता ही नहीं तुम दूर कहीं से आई हो, जैसे मेरे सपनों में तुम्हारी पहले से परछाई हो।
दादी, ये प्रिया है। प्रिया मेरी दादी। नमस्ते दादी। जीते रहो। हम लोग पहले मिल चुके हैं। हाँ हाँ, याद है। एक बात बताओ जी, उस दिन तुम घर से चली क्यों गई थी? घर से नहीं दादी, डर से। ये जो आपका कृष्णा है ना, ये सबको भूत बन के डरा रहा था। भूत? और दादी, इनके कोमल सर जो कि अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं, डर के मारे थर थर कांप रहे हैं ना। अरे दादी, उनको तो 104 डिग्री बुखार भी हो गया था। 104? सच कृष्णा? तुम्हें ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए था बेटा। इतना भी क्या किसी को डराना कि वो बेचारा बीमारी पड़ जाए। तुमने सॉरी बोला? हाँ दादी, बोला, सबको बोला। प्रिया बेटा। जी दादी। अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। दादी, मैं सिंगापुर में रहती हूँ अपनी मम्मी के साथ। मेरे पापा अब नहीं रहे। इंडिया अपनी एक दोस्त के साथ छुट्टियां मनाने आई हूँ। उसकी फैमिली चंडीगढ़ में रहती है। अच्छा जी। मैं हाथ धो के आती हूँ। बेटा जी, तुम और कितने दिन तक हो यहाँ? दिन दादी, हम लोग तो आज ही जा रहे हैं, बल्कि अभी। ओह माय गॉड, मुझे चलना चाहिए, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हनी मैम साहब, ये रहा मेरा टेलीफोन नंबर। दोबारा आपको कभी यहाँ आना हो तो मुझे फोन करिए और सेवा का मौका जरूर दीजिए। प्रिया कहाँ है? बोलो, वो आ गए। कम ऑन प्रिया, जल्दी करो। कम ऑन एवरीबॉडी, गेट इन। कृष्णा, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। वी रियली एंजॉयड योर कंपनी कृष्णा। हम लोग वापस जरूर आएंगे। बहुत मजा आया कृष्णा। थैंक्स कृष्णा, बहुत अच्छा वक्त बीता तुम्हारे साथ। 10 दिन कब और कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। रियली बहुत मिस करूंगी इस जगह को मैं, और तुम्हें भी। अपना ख्याल रखना कालीचरण। अच्छा तो मैं चलती हूँ। तो मैं चलूँ?
मान कि हम 15 दिन की छुट्टी पर गए थे, लेकिन जैसे ही 16वां दिन शुरू हुआ हमने काम शुरू कर दिया। क्या कमाल का काम किया है आप लोगों ने।
होने लगा था। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। बेटे दादी आज तो बहुत खुश नजर आ रहा है। हाँ? दादी प्रिया का फोन आया था दादी। हाँ? प्रिया का, आप कहती थी ना कि वो मुझे भूल जाएगी। नहीं दादी, वो हर वक्त मुझे याद किया करती है, हमेशा मेरे बारे में सोचती है, उसे सब जगह मैं दिखाई देता हूँ दादी। और मैंने आपसे कहा नहीं लेकिन मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है, जब से प्रिया गई है तब से कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आज उसके फोन आने के बाद फिर से सब कुछ अच्छा लग रहा है। दादी प्रिया ने मुझे सिंगापुर बुलाया दादी, वो चाहती कि मैं उसके माँ से मिलूं। माँ से? हाँ दादी, और अगर मैं नहीं गया और प्रिया की माँ से प्रिया का हाथ नहीं मांगा तो वो उसका हाथ किसी और के। मैंने कह दिया कि मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, मैं आ रहा हूं। मैंने ठीक किया ना दादी, मैं जाऊं ना दादी। दादी बस कुछ दिन की बात है दादी,
मैं बस जाऊंगा और प्रिया का हाथ मांगकर उसे अपने साथ वापस ले आऊंगा। मैं जाऊं ना दादी? आप जवाब नहीं दे रही दादी। जब तूने जाने का फैसला कर ही लिया है तो मुझसे पूछने की जरूरत ही क्या है? जा, चला जा। दादी आप खुश नहीं हैं? आपको प्रिया पसंद नहीं? प्रिया तो पसंद है, लेकिन तेरा इतनी दूर जाना पसंद नहीं। अगर प्रिया सचमुच तुझे चाहती है तो अपनी मां को लेकर के यहां भी तो आ सकती है, लेकिन तू वहां नहीं जाएगा। लेकिन मैं क्यों नहीं जा सकता? मैंने एक बार कह दिया तू नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, बस। लेकिन क्यों नहीं जा सकता? क्या हो जाएगा? बचपन से यही सुनता आ रहा हूं कि तू यहां नहीं जाएगा, वहां नहीं जाएगा, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, अपने दोस्तों के साथ शहर नहीं जा सकता। शहर तो दूर, आप तो मुझे नदी के उस पार तक नहीं जाने देती दादी। क्यों? अब तो इतना बड़ा हो गया है कि मुझे तेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आज आपको जवाब देना पड़ेगा दादी। आखिर क्यों आप मुझे रोकती हैं? क्यों मैं कहीं नहीं जा सकता हूं? क्योंकि मैं तुझे खोना नहीं चाहती। तो क्या चाहती हैं आप? कि जिंदगी भर आपके आंचल में झुककर बैठा रहूं और आपका चेहरा देखता रहूं? जिंदगी भर इन पेड़ों पहाड़ों से सर चकराता रहूं, यहां अकेला भटकता रहूं, यही चाहती हैं आप? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता दादी। मेरी भी अपनी जिंदगी है, कुछ सपने हैं, मुझे भी कुछ करना है, कुछ बनना है, अपनी पहचान बनानी है। आप मुझे खोना नहीं चाहती, लेकिन मैं प्रिया को खो दूं, मेरी खुशी से आपको कोई मतलब नहीं। आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, आप फिर एक बात ही मान सकती? आप इतनी मतलबी है दादी, मुझे आज पता चला। सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं आप, सिर्फ अपने बारे में। मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है आपको। आजकल मेरी मम्मी पापा जिंदा होते तो मेरे दिल की बात को समझते और मुझे जल देते, मुझे कभी नहीं रोकते। काश कि तेरे मम्मी पापा जिंदा होते, काश। सॉरी दादी। ये तारे देख रहे हो कृष्णा, आसमान में चमकते हुए इन अनगिनत सितारों के साथ, तेरा, मेरा, तेरे पापा का और तेरे दादाजी का बहुत गहरा रिश्ता है। तेरे दादाजी एक स्पेस साइंटिस्ट थे। एक रात ओम को लेकर उनके बनाए खास साउंड सिग्नल का जवाब आने लगा और अचानक आसमान में एक उड़नता शरीर दिखाई दी। उस एक्साइटमेंट में गाड़ी बेकाबू हो गई और एक्सीडेंट हो गया। मैं तो बच गई, लेकिन तेरे दादाजी। उस वक्त रोहित मेरे पेट में था, एक्सीडेंट में उसके सर पर चोट लग गई थी, इसलिए वो अब नॉर्मल पैदा हुआ और बड़ा होने के बाद भी उसका दिमाग बच्चों जैसा ही रहा। एक रात हमारे छोटे से कस्बे कसौली में एक बहुत बड़ा स्पेसशिप उतरा, उसमें से कुछ एलियंस बाहर निकले, लेकिन उनमें से एक वापस नहीं लौट सका और इस तरह रोहित की जादू से मुलाकात हुई।
जादू के पास सुपरनेचुरल शक्तियां थी, उसने अपनी शक्तियां रोहित को दे दी। रोहित पूरी तरह बदल गया, जादू तो चला गया लेकिन रोहित को दी हुई शक्तियां वो वापस नहीं लेके गया। उसके बाद सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। मेरा बेटा वो कर सकता था जो किसी आम इंसान के लिए नामुमकिन था। इसी दौरान रोहित ने तेरी मां से शादी की और कुछ ही अरसे बाद उसकी शोहरत हिंदुस्तान की सीमाएं पार कर गई। दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के चेयरमैन ने रोहित को विदेश बुलाया। थैंक यू। Welcome to Technotronics. Come with me, sir. Dr. Arya will be here shortly. Mr. Rohit Mehra, I'm sorry to keep you waiting. That's all right, sir. Main bas ye book. Meri nayi kitab ki first copy hai. Aap ise padhein aur apni raaye dein. Bahut achhi kitab hai, sir. Aapne kaafi research kiya. Aap bina padhe ye kaise keh sakte hain? Maine padh liya, sir. Padh li? पेज नंबर 126, 244 और 354 में प्रिंटिंग मिसिंग है सर, मैंने मार्क कर ली। आपने 400 पेज की ये किताब 10 मिनट में पूरी? हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं उससे बात कर रहा हूं जिससे कोई भी सवाल पूछना उसके टैलेंट की इंसल्ट करना है। इट्स एन ऑनर टू मीट यू। द ऑनर इज माइन सर। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं आप जैसे ग्रेट साइंटिस्ट और इनोवेटर के सामने हूं। आपने वायरलेस कम्युनिकेशन की फील्ड में जो किया है वो किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं है सर। आपने कंप्यूटर को टेबल से उठा के लोगों के हथेलों पे पहुंचा दिया। आजकल लोग मोबाइल फोन पे क्रिकेट मैच की क्लिप्स देख सकते हैं, तो आपकी वजह से। रोहित, मैंने एक नया ड्रीम देखा है, एक नया विजन, एक ऐसा सपना जो अगर सच्चाई में बदल गया तो दुनिया की तकदीर और तस्वीर, फेट एंड फेस दोनों को बदल सकता है। और इस सपने को सच करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं एक ऐसा कंप्यूटर बनाना चाहता हूं जो भविष्य को देख सके, दैट कैन सी द फ्यूचर। फ्यूचर? चाय पियोगे या कॉफी? ड्रीम, आपका विजन समझ रहा हूं सर। आप एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा कंप्यूटर बनाना चाहते हैं जो फ्यूचर देख सके। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है, क्योंकि मेरे पास जो लोग हैं वो ट्रेन्ड हैं, तुम्हारी तरह गिफ्टेड नहीं है। क्या सोच रहे हो रोहित? सर, अगर हम रियली ऐसा कंप्यूटर बना सके जो फ्यूचर देख सके तो रोहित, हम इस प्लैनेट का, इंसानियत का कितना भला कर सकते हैं। वॉर्स कैन बी प्रिवेंटेड। भूकंप, सूखा, बाढ़, इन सबको रोका जा सकता है। नहीं भी रोक सके तो उनके लिए तैयार तो हो सकेंगे हम। तुमने तो फ्यूचर देखना शुरू भी कर दिया रोहित। Welcome.
इस यकीन के साथ के विजन और ब्रिलियंस की ये मुलाकात हिस्ट्री बनेगी, हिस्ट्री बनाए। पूरे 2 साल लगे, लेकिन मेरे रोहित ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उसने ऐसा कंप्यूटर बना लिया जो भविष्य देख सकता था। उन्हीं दिनों तू पैदा होने वाला था। हेलो रोहित बेटा, मैं निशा को अस्पताल ले आई हूँ। हाँ वहीं से बोल रही हूँ। मुबारक हो, तू किसी भी वक्त बाप बन सकता है। हाँ बस तू जल्दी से घर आ जा बेटा। मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। रोहित क्या बात है बेटा, तो कुछ परेशान सा लग रहा है। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ, ये दुनिया बहुत खराब है माँ, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। लेकिन नहीं आ पाया मेरा बेटा। तेरे पैदा होने के कुछ ही देर बाद हमें खबर मिली कि लैब में अचानक आग लग गई और वो लोग नहीं बचा पाए मेरे रोहित को। तेरी माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और कुछ ही दिनों में वो भी चल बसी। जब तू 5 बरस का हुआ तब मुझे पता चला कि तू भी उन्हीं शक्तियों के साथ पैदा हुआ जो शक्तियां रोहित में थी। मैं एकदम घबरा गई, मैं नहीं चाहती थी कि दुनिया को तेरे बारे में भी पता चले, इसलिए मैं तुझे लेकर यहां इतनी दूर चली आई जहां मैं कोई भी नहीं जानता था। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहती थी कृष्णा। तो अब मेरा चेहरा नहीं देखना चाहता ना, लेकिन मैं तो तेरा चेहरा देखकर ही जी रही हूं कृष्णा। हाँ मैं मतलबी हूं, मैं मतलबी हूं। तेरे पापा के कुछ कपड़े निकाल रही हूँ। तू क्या सिंगापुर इन कपड़ों में जाएगा? हाँ लेकिन दादी, मैं तुझे तो दुनिया से छुपा सकी लेकिन तेरे दिल को नहीं। जा अपनी प्रिया को यहाँ ले आ। लेकिन कृष्णा वहां ठीक से रहना बेटा, वक्त पर खाना, वक्त पर सोना और किसी से ज्यादा बात मत करना, किसी से उलझना मत। जो भी करना आम लोगों की तरह करना, ठीक है बेटा? और हाँ जोश में आकर के कुछ ऐसा वैसा मत कर देना कि किसी को पता चले कि मैं कौन हूं। हाँ बेटा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए दादी, मैं किसी को अपने बारे में पता नहीं चलने दूंगा। मैं अपनी ताकत, अपनी खूबियां, अपने गुण छुपा के रखूंगा। मैं वादा करता हूं दादी।
वेलकम टू सिंगापुर सर। क्यों? आज आपका वेलकम अलग लगा और अच्छा भी। Very good afternoon to you, Dr. Mathur. Good afternoon. लेकिन सर, yes, I know. मैं कुछ दिन पहले ही आ गया, लेकिन क्या करूं? रहा नहीं जाता। मुद्दत गुजर गई। अब जब कामयाबी इतने नजदीक आ गई है, तो आखिर के एक-एक दिन का, एक-एक पल काटना मुश्किल हो गया। वैसे तारीफ करनी होगी आपकी और आपकी टीम की, मेरे सपने को दोबारा सच्चाई बनाने के लिए। तारीफ तो आपको रोहित मेहरा की करनी चाहिए सर। अगर उसके नोट्स और रिसर्च हमारे पास नहीं होते तो वो कंप्यूटर दोबारा बनाना इम्पॉसिबल था। एब्सोल्यूट जीनियस। यू आर राइट सर। जो कंप्यूटर रोहित ने 2 साल में बनाया, उसे हमें बनाने में कितने साल लग गए? इसीलिए तो आज भी उसकी कमी महसूस होती है। एक्सक्यूज मी। अब तक लोग कहते हैं कि कल किसने देखा है लेकिन कुछ ही दिनों बाद तुम और मैं कई सच और कई मुहावरे हमेशा के लिए बदल देंगे। आज का सबसे महत्वपूर्ण समाचार, इतने सालों की लगन, मेहनत, शोध और प्रतीक्षा के बाद विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सिद्धांत आर्या की महत्वाकांक्षी परियोजना अब पूरी होने वाली है। हमारे विशेष संवाददाता के अनुसार कुछ ही दिनों बाद डॉक्टर सिद्धांत आर्या सभी का, व्यक्ति, समाज, देश, दुनिया, सभी का भविष्य देख सकेंगे। इतना ही नहीं, भविष्य बदल भी सकेंगे। और ये बात बिल्कुल सच है कि जो व्यक्ति भविष्य देख सकता है और बदल सकता है, उसे भगवान के बराबर माना जाता है। गलत। भगवान के बराबर नहीं, भगवान ही माना जाता है। Will be God. अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। काम किया है तुमने। एक काम करते हैं, गाड़ी में बैठे रहते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़। कृष्णा की फ्लाइट भी लैंड हो गई होगी, वो कितना परेशान हो रहा होगा हमें ढूंढते ढूंढते। सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। आप ठीक हो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी?
कृष्णा। कृष्णा, तुम इन कपड़ों में कितने अच्छे लग रहे हो। मेरे पापा के। कृष्णा, वेलकम टू सिंगापुर। ओह माय गॉड, तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। तुम दोनों अकेले आए हो? कृष्णा, तो लोग अकेले कैसे आ सकते हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि प्रिया, वो तुम्हारी माँ नहीं आई। माँ? आंटी आने वाली थी। आती तो अच्छा रहता, यही उनसे हाथ के हाथ तुम्हारा हाथ मांग लेता और हम यहीं से वापस इंडिया चले जाते। दादी वहाँ अकेली है ना। बड़ी जल्दी में पंडित नहीं लेके आई, यहीं फेरे वेरे ले ले। शट अप। क्या हुआ? वो क्या है ना, वो माँ जो है ना कृष्णा, वो तो माँ जो है वो तो गई। चली हाँ, गई। गई हांगकांग। हांगकांग गई। हांगकांग गई। हांगकांग 10-15 दिन में आ जाएंगी वापस, है ना? हाँ, आ जाएगी 10-15 दिन। लेकिन इतने दिन के मैं यहाँ पर क्या करूँगा? क्यों कृष्णा, जब हम तुम्हारे यहाँ आए थे तो तुमने अपना गाँव दिखाया था ना, अब हम तुम्हें अपना शहर दिखाएंगे। यहाँ रहोगी तुम, ये है तुम्हारा लिविंग रूम और ये है तुम्हारा बेडरूम, ये कपड़े तुम्हारे लिए और ये रहा तुम्हारा फोन, इसमें हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, तुम जब चाहो हमें फोन कर सकते हो। लेकिन प्रिया, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं रह सकता? वो क्योंकि वहाँ पे माँ नहीं है। हाँ, वहाँ माँ नहीं है ना, अच्छा नहीं लगता ना। मेरा फोन बज रहा है, इसमें मामा लिखे, उठा दे कैसे? शायद मैंने तुम्हें गलती से अपना फोन दे दिया। एक्सक्यूज मी, हेलो। प्रिया बेटी, गुड न्यूज़ है। ओह, तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अभी मैं बिजी हूँ, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ मामा। अरे माँ का फोन, एक मिनट में नमस्ते तो कह दो। नहीं नहीं, माँ का कहाँ फोन था, वो तो मामा मामा का फोन था। तो नहीं नमस्ते कह देता, तुम्हारे मामा जी भी यहीं रहते हैं? हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो तो इंडिया में रहते हैं ना। अच्छा, इंडिया में? कहाँ इंडिया में? कृष्णा, हमें ऑफिस जाना है ना, हम बाद में तुम्हें मामा जी का पूरा एड्रेस दे देंगे पिन कोड के साथ। अभी हमें जाना है। ओके बाय बाय। एक झूठ को सच बनाने के लिए कितने झूठ बोलेंगे हम? आज तो मामा ने बचा लिया, तो कल मामी बचा लेगी, रिश्तेदार किस दिन काम आएंगे। रिलैक्स। उसकी आंखें देखी थी तुमने, कितना प्यार और विश्वास भरा था उनमें। हानी, मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं इस तरह कृष्णा को हर्ट नहीं कर सकती। हर्ट? वो तुम्हारी वजह से फेमस हो जाएगा, सेलिब्रिटी बन जाएगा और फाइनली हमें प्रमोशन मिल जाएगा, और बाद में अगर उसे पता भी चल गया तो स्मॉल लाइफस्टाइल पर हर्ट है। मियां, क्या हुआ? तुम 20th फ्लोर से इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गए? सीढ़ियों से। सीढ़ियों से? हां। प्रिया, वो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। क्या? मैं गाड़ी लेके आती हूँ। अब हानी, अपनी आंखें बंद करो। हाँ प्रिया, जब भी मैं आंखें बंद करने के लिए कहता हूँ तुम अपनी आंखें बड़ी क्यों कर लेती हो? अब खोलो। अच्छी लग रही है ना? अब अच्छी लग रही। ओके बाय। हाँ बाय। क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, बाद में बताऊंगी, अभी प्लीज चल 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 चल। बाय बाय।
Christian, Swing Tsung Ming Lee. What? My name too long? Short. Chris Lee, okay? Okay, Chris Lee. Nice name. My name is Krishna. Krishna Mehra. Krishna? India? Yes, India. I work here in Great Bombay Circus. Must come, okay? Okay. Sunday, okay? Sunday, okay. 10 days तो यूं ही गुजर जाएंगे बेटा. तू बता, तुझे कैसा लग रहा है वहाँ? अच्छा लग रहा है दादी. बहुत ऊंची-ऊंची इमारतें हैं यहाँ. और मैं जहाँ रुका हूँ, वो जगह 20वें फ्लोर पर है. और मैं आपसे इस वक्त बालकनी में खड़े होकर बात कर रहा हूँ. अच्छा, अब तू अच्छे से रहना. और सुन, प्रिया को मेरा प्यार और आशीर्वाद देना. जस्ट इमेजिन, हमारे नए शो का नाम. क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक इंसान एक बंदर से भी ज्यादा तेज इस पोल पर चढ़ सकता है? नहीं ना. वेल, हमारे आज के शो को देखने के बाद आप इमेजिन ही नहीं यकीन कर लेंगे कि ऐसा हो सकता है. तो तैयार हो जाइए. एक तरफ है वर्ल्ड फेमस ओरैंगुटैंग माओ, जो पलक झपकते ही इस पोल पर चढ़ जाएगा. और दूसरी तरफ है इंडियन सुपर बॉय कृष्णा. ये क्या हो रहा है प्रिया? क्या हुआ? तुम तो मुझे यहाँ पर शूटिंग दिखाने लाई थी ना? हाँ बाबा, फिर मैंने सोचा अगर तुम शूटिंग देख सकते हो तो कर भी तो सकते हो ना. हा? लेकिन फिर मैं माओ से तेज इस पोल पर कैसे चढ़ सकता हूँ? जैसे उस दिन पहाड़ पे चढ़े थे, ऐसे 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 ऐसे, याद है? लेकिन मैं माओ से हार गया तो? अरे मुझे पूरा यकीन है तुम हार ही नहीं सकते. लेकिन हार गया तो मैं माओ से शादी कर लूंगी. नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा. तो मान जाओ ना, बहुत मजा आएगा. प्लीज. मजा तो आएगा. सर, सर, रेडी? या, ओके. चाओ, इट्स माओ रेडी. रेडी. कृष्णा, रेडी. भैया, हमारे और सक्सेस के बीच में सिर्फ एक पोल का फासला है. पोल का नहीं, पल का फासला. स्टुपिड. बेबी. Roll camera. Action. Cut. What the
hell is this? Boss, Hindi, Chini, bye bye. Shut up. Sorry, sir. Chau, chau, mau. Bye, Dan. Roll camera. Action. Cut. You stupid ape. I paid a lot of money for you, okay? And I'm tired of you monkeying around. You don't get your act together. Now you're out of my show, okay? There, I told him off. अच्छा अच्छो को ठीक किया है ये क्या रोल कैमरा एक्शन वेयर इज द फिश बट Roll camera! Action! Got it! नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ सर्कस वर्कस। अरे कमाल है, माओ का गुस्सा तुम मुझ पे क्यों उतार रही हो? अब वो पोल पर नहीं चढ़ा तो मैं क्या करूं? और यहाँ की मछलियां? खुद मेरे हाथ में आने के बजाय मेरे हाथ में कभी कैन तो कभी जूता तो कभी वो पकड़ा गई। अरे वाह प्रिया स्माइल। अरे इंडिया में तो बड़ी आसानी से फिश पकड़ लेते थे, क्यों? नहीं वहां की मछली तो मुझे जानती है ना, मेरा साथ देती है। लेकिन तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो। अरे मैं तो जिंदगी भर तुम्हारा साथ देने यहाँ आया हूँ प्रिया। अगर मेरी माँ ने पूछा कि तुम करते क्या हो तो तुम क्या कहोगे? कह दूंगा जो करता हूँ, तुमसे प्यार। और क्या कहोगे? कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और हंसी को तुम्हारे होंठों से कभी अलग नहीं होने दूंगा। और अच्छे बुरे वक्त में हम हमेशा साथ रहेंगे, जैसे पलके रहती हैं आंखों के साथ। और सपने तुम देखोगी, सच मैं करूंगा। और तेज धूप में छांव बनकर साथ रहूंगा, और सर्दी में आंच बनकर बरसात सताएगी तो बादलों का रुख मोड़ दूंगा, और आंधी चलेगी तो हवा होगा। और इसी तरह जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करूंगा, हर खतरे से, हर मुसीबत से। अब तो मां मान जाएगी ना?
घर वाला भी हंस के एक दिन तुमसे ये पूछेगा। Hey,
save our daughter. I beg of you, sir. Please save our daughter, sir. Please. तुम ठीक हो? लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम तो बेहोश थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पानी ले गया था। ये लो। The most sensational news in Singapore right now is a circus blaze at Marina Bay, which took place last night. And the daredevil masked savior, who in a flash rescued many victims trapped in the fire and has become every child's hero overnight. But his identity is still a mystery. कल तक हमारे पास मास्कमैन का हुलिया और सिर्फ उसकी तस्वीर थी। आज हमें उसका नाम पता चल गया, साथ ही उसके मास्क का एक टुकड़ा भी मिल गया। कैसे, आइए जानते हैं। He said his name is Krish and this piece of mask broke from his forehead. तो इसका नाम है क्रिश। क्रिश! लेकिन इसकी पहचान पर अभी भी एक रहस्य है। बहरहाल ये क्रिश जो भी हो, इसकी बहादुरी को पुरस्कृत करने के लिए एक ब्रेवरी अवार्ड और $25,000 का इनाम घोषित किया गया है। तो फिर क्रिश की पहचान कैसे होगी? ये टुकड़ा जिसके मास्क से मैच करेगा उसे ही क्रिश माना जाएगा और उसे ही पुरस्कृत किया जाएगा। क्रिश, क्रिश, आखिर है कौन ये क्रिश? लिसन केयरफुली यू गाइस, हमारी प्रायोरिटी क्रिश है, सिर्फ ओनली क्रिश, गेट दैट? क्रिश और उसकी आइडेंटिटी, क्रिश की पहचान सबसे पहले हमारे चैनल पर होनी चाहिए, डू यू गेट दैट? Our channel must be the first one to unmask this masked Krish. Get it? Stop nodding and leave. Go get him. Go, go. तुम दोनों कहाँ जा रही हो? क्रिश को ढूंढने। Forget Krish. नया जॉब ढूंढो। नया जॉब? You both are fired. What? अब तुम इंडिया जाओ, वहाँ के जंगलों में अपने कृष्णा के साथ फ्लूट बजाओ। जाओ जाओ जाओ। But... Don't waste your time. Go go. Out. प्रिया, कृष्णा के चक्कर में ये जॉब तो गया हाथ से। अब क्या होगा हमारा? हनी, मुझे लगता है कि ये कृष्ण और कोई नहीं, अपना कृष्णा ही है। क्या? हाँ।
उस दिन सर्कस में मैंने क्रिश को इतने करीब से देखा था। मेरा दिल कहता है कि कृष्णा ही क्रिश है। तो फिर तूने ये बात मीटिंग में बॉस को क्यों नहीं बताई? अरे क्योंकि मैं श्योर नहीं थी ना, पहले कंफर्म तो करना पड़ेगा। कंफर्म मगर कैसे? देख एक आइडिया तो है। रिंग कहाँ गई तुम्हारी? शायद वो लोग। I think it's Mars Mansion. Shit! Martian? Yeah!
तक मुझे tell my sister. No, Christian. Don't tell anyone. Why? You become famous. You get reward. Here, Christian. You become Krish. Take it. Get the money for your sister. Make her legs good again. Take it. No. It's yours. You are the hero. Every human being who fights for a good cause is a hero, Christian. You are fighting for your sister. You are a hero. The biggest news of today. Superhero Krish has revealed his identity to the media, and the broken piece of the mask fitting his mask has confirmed his identity. Here today, Hero Hunter is honoring Krish for his bravery. दिमाग में नहीं आया कि क्रिश्चियन भी तो क्रिश हो सकता है, और फिर उस रात वहां सर्कस में भी था वो। अगर यही बात उस रात मेरे दिमाग में आ गई होती तो मुझे इतनी मार नहीं पड़ती। अब उसके लिए मैंने सॉरी बोला ना, और क्या करूं? अपनी आंखें बंद करो। हाँ? अरे फिर तुमने ये तुम्हें कैसे वापस मिली? क्रिश दोस्त है ना मेरा, तो इतना नहीं करेगा। हाय हाय, थैंक यू थैंक यू। लो सिर्फ दोगे, पहनाओगे नहीं? निकलती है जहां से, धूप निकलती है जहां से, धूप निकलती है जहां से, चांदनी रहती है जहां पे, खबर ये आई है वहां से। कोई तुम सा नहीं, ओ कोई तुम सा नहीं, तुमसा नहीं, ओ कोई तुमसा नहीं। नींद छुपती है जहां पे, नींद छुपती है जहां पे, नींद छुपती है जहां पे, ख्वाब सजते नहीं।
सा नहीं, कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं। बॉस ने वो कृष्णा वाला अपार्टमेंट उसे भी खाली करवाने को कह दिया है। हेलो, तू मेरी बात सुन भी रही है? अरे बाबा सुन रही हूँ लेकिन नहीं भी सुन रही हूँ। ये क्या है ये? अरे उस दिन सर्कस में जो एक्सप्लोजन हुआ था ना, हाँ। मैं तो बेहोश हो गई लेकिन लगता है मेरा कैमरा ऑन रह गया। अच्छा ये टीवी बंद कर और कृष्णा के बारे में सोच प्लीज। हाँ। Oh my God! क्या हुआ? मैं रिवाइंड करके दिखाती हूँ। प्रिया? नहीं मैं प्रिया की माँ बोल रही हूँ। माँ जी नमस्ते, आप हांगकांग से वापस कब आई? हांगकांग? मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो यही थी। तुम कौन बोल रहे हो? जी मैं बोल रहा हूँ, कृष्णा। कृष्णा कौन? जी प्रिया ने आपको मेरे बारे में सब बताया है ना? नहीं प्रिया ने तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। जी आप प्रिया की माँ ही बोल रही है ना? हाँ मैं प्रिया की मम्मी बोल रही हूँ। प्रिया कहाँ है? प्रिया तो अभी अभी ऑफिस गई है। ऑफिस? जी अच्छा। प्रिया, प्रिया, do you realize कि इस फुटेज के टेलीकास्ट होने के बाद
हमारा कृष्णा वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी बन जाएगा। कुछ बात है हमारे कृष्णा में, है ना? इसने हमें इतनी आसानी से बेवकूफ बनाया, वहां पर कालीचरण बनके और यहाँ पे कृष बनके। मैंने कहा था ना हनी, सच सामने आ ही जाता है। देख प्रिया, कृष्णा की सच्चाई जो लोगों के सामने आने वाली है वो तेरे झूठ की वजह से। वही झूठ कि तू उससे प्यार करती है, उसे इंडिया से यहाँ तक लेकर आए। And imagine, now we're gonna create a big sensation. You were right. झूठ से कभी कभी बहुत फायदा होता है। क्या बताती हानी, उसकी सच्चाई ने कब मेरे झूठे प्यार को सच बना दिया मुझे ही नहीं पता चला। I'm in love with Krishna, हानी। कृष्णा, कृष्णा चोर पकड़ा ही गया उसने तो अपने आप को छिपाने की बहुत कोशिश की थी, यू नो, लेकिन मुझे पता चल गया है कि असली क्रिश कौन है। क्यों झूठ बोला मुझसे? मुझे अंधेरे में क्यों रखा? मेरे सामने भी नकाब के पीछे छुपने की क्या जरूरत थी? ये तुम पूछ रही हो प्रिया, जिसने मुझसे कभी सच कहा ही नहीं, जिसने आज तक मुझे अंधेरे में रखा। मेरा नकाब तो नहीं रहा प्रिया। पर तुम्हारा क्या मतलब? क्यों झूठ बोला कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुम्हारे झूठ को सच समझकर यहां तक चला है, तुम्हारी मां से तुम्हारा हाथ मांग। पर तुमने तो उनके बारे में भी झूठी कहानी बना दी। हाँ प्रिया, मैं तुम्हारी मां से बात कर चुका हूं। कृष्णा, I'm sorry. मैं मानती हूं कि मैंने शुरू में झूठ बोला, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करती हूं कृष्णा। बस प्रिया, बस। तुम्हारे पास और झूठ होंगे मुझे सुनाने के लिए, पर अपने सच मानने की शक्ति मुझ में नहीं। मेरी बात तो सुनो कृष्णा, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया है। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा आदमी बनकर देखना चाहती थी और कुछ घंटों में ऐसा होगा, पूरी दुनिया तुम्हारे पावर्स और गुणों के बारे में जान जाएगी। यही तो मैं नहीं चाहता था। तुम्हें क्या लगता है कि उसे मैंने मास्क क्यों पहना? इसलिए क्योंकि मैं अपनी दादी से वादा करके आया था कि मैं अपनी पहचान छुपा के रखूंगा, अपनी शक्तियों के बारे में किसी को पता नहीं चलने दूंगा। और तुमने, दादी ठीक कहती थी, इस दुनिया में लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने तो मुझे रोकना भी चाहा मगर मैं। लेकिन क्यों रोकना चाहती थी तुम्हारी दादी तुम्हें? वो क्यों हमेशा तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखना चाहती है? क्यों नहीं चाहती वो कि पूरी दुनिया तुम्हारे टैलेंट को पहचाने? क्या वो मतलब ही नहीं है? प्रिया, जानना चाहती हो तो सुनो। बेटा खो देने के बाद दादी अब मुझे नहीं खोना चाहती थी, क्योंकि मुझ में भी वही शक्तियां हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे आने दिया तुम्हारे लिए।
मेरे दिल के लिए उन्होंने अपने दिल को समझा लिया, पर मैं उन्हें कैसे समझाऊंगा? कृष्णा मेरी बात सुनो, कृष्णा I'm sorry, Krishna. Krishna! Hello? Hello? Hello, honey. Krishna ki tape ka telecast rokna hoga. Kyun? Tu please abhi sawal mat kar. Bas telecast rok de. Lekin tape to boss ke paas hai. Oh my god. Boss kahan hai is waqt?
पास जाओ, मेरे पास।
डॉक्टर आर्य। बीस साल से उसने एक माँ को अपने बेटे से और एक बेटे को अपने बाप से अलग रखा। उसके झूठ की वजह से मैंने अपनी माँ को खो दिया। कहाँ है मेरे पिताजी? यहीं सिंगापुर में। डॉक्टर आर्या ने उन्हें कई सालों से मशीनों के जरिए ऐसी हालत में रखा है कि सिर्फ उनका दिमाग जिंदा है, शरीर बेजान है। गुड इवनिंग माय फ्रेंड रोहित मेहरा। कैसा महसूस कर रहे हो आज? ये मशीन्स तुम्हारा ठीक से ख्याल तो रख रही है ना? Yes? Good. कल वो ग्लोरियस ऐतिहासिक दिन है जब मेरा हमारा कंप्यूटर इनॉग्यूरेट होगा। हाँ हमारा, क्योंकि तुम्हारे बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं था। इतने साल तुमने किस सब्र और शांति से मेरे साथ कोऑपरेट किया है। कल जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो तुम्हारी जरूरत भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारी तकलीफ भी। सी यू टुमारो। ब्रेकिंग न्यूज, डॉक्टर आर्या को कबीर याद आ गए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसीलिए डॉक्टर आर्या ने फैसला किया है कि वो आज ही कंप्यूटर आरंभ करेंगे और आज ही रोहित का अंत। और मेरे पिताजी को इस कमरे में रखा? हाँ, लेकिन वहां तक किसी अनजान आदमी का पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। डॉक्टर आर्य ने इस आइलैंड के हर हिस्से में बेहद टाइट सिक्योरिटी रखी है ताकि अब उसके और कंप्यूटर के बीच में कोई ना आ सके। कृष्णा, अगर डॉक्टर आर्य ने वो कंप्यूटर स्टार्ट कर लिया तो उस कंप्यूटर के जरिए वो किस हद तक विनाश कर सकता है, इंसानियत को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। मेरा, तुम्हारा, हम सबका, इस पूरी दुनिया का फ्यूचर उसके कब्जे में आ जाएगा। इसीलिए डॉक्टर आर्या को हर हाल में रोकना होगा। अब तुम्हें अपने पिता के साथ साथ पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत को बचाना है कृष्णा। हेलो कृष्णा। दादी। कृष्णा तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ दादी। पता नहीं क्यों दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही है। तू कब आ रहा है बेटा? जल्दी आ जा। तेरे पापा का श्राद्ध है, उस दिन तुझे यहाँ रहकर बेटे का फर्ज निभाना है। याद है दादी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बेटे का हर फर्ज निभाऊंगा। जीत गया, अब
तुम चाहो तो अपनी सांसें बंद कर सकते हो, या मैं कुछ मदद करूं? हाँ, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? जरा देखते तो जाओ कि तुम्हारा आविष्कार मुझे कैसे ईश्वर बनाएगा। कंप्यूटर इसलिए बनाया था कि हम अपना कल देखकर उसे बदल सकें। मैं भी अपना कल बदल के दिखाऊंगा, आज ही। डॉक्टर आर्य मास्ट मैन को ढूंढने गए। मास्ट मैन, क्रिश्चियन, 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 कृष्णा, वो देखो डॉक्टर आर्य। Come on, let's go. क्रिश्चियन, क्रिश्चियन ने क्या किया था? इसे क्यों मारा? डॉक्टर आर्य ने शायद कंप्यूटर स्टार्ट कर लिया है और उसमें उसने देखा होगा अपना कल। वही होगा जो डॉक्टर आर्य ने देखा है।
बदल दिया मैंने अपना फ्यूचर, बदल दिया मैंने अपना कल, कोई नकाब नहीं रहा। आज से इस दुनिया के भगवान का नया चेहरा होगा डॉक्टर सिद्धांत आर्या। How is this possible? इसे तो मैंने अपने हाथों से मारा है। Then, who is this? 9:15, सवा नौ। यहां बजे है 9, यानी वो 15 मिनट में यहां पहुंच जाएगा। That means he's already on the island. Stop! इसे काबू में करने के लिए पावर की नहीं प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर आर्या ने इस आइलैंड के हर हिस्से में बेहद टाइट सिक्योरिटी रखी है। बेटर क्योंकि मैंने फ्यूचर देख लिया है। लेकिन जो वक्त की कमी की वजह से नहीं देख पाया वो जानना चाहता हूं। तुम क्यों मुझे मारना चाहते हो और रोहित मेहरा को क्यों बचाना चाहते हो? कौन हो तुम? जवाब तुम्हें मेरे पास आके देना होगा। काम मैंने कहा था ना, मैंने फ्यूचर देख लिया है और मैं जानता हूं कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ। तो प्लीज कोऑपरेट।
कौन हो तुम? अभी पता चल जाएगा। बेटा कृष्णा, हाँ huh?